डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल्स का और कॉन्जुगेटेड uh, मालिक्यूल्स हम किन को कहते हैं सबसे पहले आपने इनकी डेफिनेशन को समझनी है मालिक्यूल्स दैट बिलोंग टू टू डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइंड टू फॉर्म कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल दो डिफरेंट कैटेगरीज से दो डिफरेंट ग्रुप्स से जब मालिक्यूल्स मिलकर एक कंबाइंड मालिक्यूल को बनाएंगे तो उसको हम कहेंगे कांजुगेटेड मालिक्यूल तो इसलिए ये क्या होगा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट मालिक्यूल्स इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे जैसे ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स लिपोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो हम इनमें से चंद मेन एग्जाम्पल्स को और उनके रोल को देख लेते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाएंगे लिपो प्रोटीन्स आपको नाम से पता चल रहा है कि दीज आर द कॉन्जुगेट ऑफ स यानी लिपेड एंड प्रोटीन कंबाइन टू फॉर्म द लिपो प्रोटीन आप सेल बायोलॉजी के अंदर प्रीवियसली इनको पढ़ चुके हैं कि जितनी भी मिम्ब्रेन है दीज आर केमिकली लिपो प्रोटीन इन नेचर तो लिपो प्रोटीन का रोल क्या होगा इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ऑल काइंड ऑफ मिम्ब्रेन वेदर द प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन की अब इनके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इनकी एग्जाम्पल्स के अंदर एक एग्जाम्पल आपने याद रखनी है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन तो इसीलिए हम इसके लिए न्यूक्लियो का नाम भी यूज करते हैं तो क्रोमोसोम एक्चुअली क्या है दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ हिस्टोन, सो हम इसको न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो हिस्टोन कहेंगे इसी तरह से आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है कि राइबोसोम इज अप ऑफ राइबो एसिड एंड प्रोटीन तो इट इज ऑल्सो अ कॉन्जुगेटेड मालिक्यूल जिसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का नाम देंगे एक और एग्जाम्पल हमारे सामने है ग्लाइको प्रोटीन की इनके भी नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज द ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स और इनको भी आपने प्लाज्मा मिम्ब्रेन के अंदर पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मिम्ब्रेन के लेवल पर दे फॉर्म द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसी से रिलेटेड हमने टर्म ग्लाइकोकेलेक्स की भी पढ़ी थी प्लस आपने याद रखना है एग एल्बुमिन आल्सो कंटेन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स एक और मॉलिक्यूल आपने पढ़ा था ग्लाइकोलिपिड्स विच ज अंजुगेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स और इन ग्लाइकोलिपिड्स को भी आपने प्लाज्मा में में पढ़ा था एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की फॉर्मेशन में या आपने पढ़ा था कि ये भी ग्लाइकोकेलिक्स बनाते हैं प्लस दीज आर आल्सो फाउंड इन ब्रेन जहां पर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं